गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड फाइनली आज पूरे एक हफ्ते के बाद, ऑलमोस्ट 6 दिन हो गए मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट हो गई है इस मंथ से, तो मैं इस वजह से भी नहीं कर रहा था। और ऊपर से थोड़ा बहुत आखिरी का काम कुछ बच रहा है घर का, वो बस फाइनल होने वाला है। अभी पेंटिंग एंड ऑल चल रही है घर पर, तो वो हो जाएगा, तो उसके बाद फिर मुझे ठीक ठाक टाइम मिलेगा और ये छत पर आके तो ब्लॉग करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा तो काफ़ी सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी मेरे लिए भी। एंड अभी इट्स ऑलमोस्ट 6:40 or 6:45, जिम जाऊंगा अभी मैं, आज मेरा लेग डे है और उससे पहले मुझे डे एंड करना है और फिर प्री लूँगा आज, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ले लेता हूँ, क्योंकि कल मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, कल मैं प्री लेके जिम गया था और साथ में मैंने क्रिएटिन भी लिया था, तो फिर मैं घर पर आके ईजीली सो गया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट हाँ, ये है कि जब से नाइट शिफ्ट हुई है ना, तो सोने का लाइक ऐसे हो रहा है कि मैं 2 शिफ्ट में सो रहा हूँ। यू कैन से लाइक अभी जैसे सोऊंगा तो मैं 1-2 बजे तक उठ जाता हूँ, 9 बजे के आसपास सो जाता हूँ जिम से आके, उसके बाद फिर मैं खाना एंड ऑल खाता हूँ, फिर 3-4 बजे तक कोशिश करता हूँ सोने की, आ जाती है नींद, फिर वही 6-7 बजे तक फिर मस्त सो के उठता हूँ, फिर काम एंड ऑल वापस से चालू हो जाता हूँ। और मेरे साथ जिम अमित आएगा आज, सोनू तो शायद गाड़ी चलाने गया है, तो वो वहीं से आएगा, वो सीख रहा है आजकल, प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब हाथ साफ कर रहा है बेसिकली, तो वो लेट आएगा, 7 बजे के आसपास आएगा, 7-10 तक, कल भी ऐसे ही आया था। तो मैं और अमित जाएंगे 7 बजे। एंड लास्ट 2 मंथ से, जब से मैंने लास्ट, हाँ, जब से मेरी डे शिफ्ट से मैं नाइट में वापस आया हूँ, और ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हैं, तो मैंने मेरी क्लासेस नहीं हो रही है, मतलब कि मैं नहीं ले पा रहा हूँ क्लासेस जॉब की वजह से, और वीकेंड्स में वो कोई बैच स्टार्ट कर नहीं रहे B2 का, क्योंकि उनको लगता है कि लोग ना वीकेंड्स में सीरियस नहीं है, तो इस वजह से वो वीकेंड वाले बैचेस, जो बड़े बैचेस हैं, वो स्टार्ट नहीं कर रहे। अभी मेरी नाइट शिफ्ट हुई है, तो मैंने देखे थे कुछ बैचेस, बट वो मेरे टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हो रहे, मतलब मैं फिर उसमें कुछ भी एडजस्ट नहीं कर सकता, मतलब ऐसा मैं हो रहा है कि मैं फंस जाऊंगा, तो मैं इस वजह से भी नहीं ले रहा हूं वो वाले बैचेस। कल रात को मतलब मैं शिफ्ट के बीच में ऐसे ही सोच रहा था, जब मैंने जिम जाना स्टार्ट ही किया था, तो उस टाइम की एक बात बताता हूं मैं आप लोगों को, शायद आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा, मतलब एक मिस्टेक यू कैन से। तो उस टाइम पर क्या था कि जब मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल हो गए थे ना, तो उसके बाद मैंने क्या करता था कि जिम जाऊंगा एंड वार्म अप एंड ऑल करने से पहले, चाहे मेरी कोई सी भी एक्सरसाइज हो, खैर उस टाइम पे तो मैं ब्रो स्प्लिट फॉलो करता था, मतलब सिंगल पार्ट ट्रेन करता था हर दिन, तो मैं क्या करता था, कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई सा भी दिन हो, तो फर्स्ट जिम जाके मैं क्या करता था कि मैं केबल कर्ल करता था, सो दैट कि बाइसेप में पंप आ जाए। तो मुझे उस टाइम पर ऐसा लगता था कि मैं रोज़ जाके बाइसेप मारूँगा, मतलब केबल कर्ल से एक तरह से, तो एक तो पंप आता था और मुझे अच्छा लगता था, तो शायद जल्दी बढ़ेगा, शायद जल्दी ग्रो होगा, बट मुझे ये नहीं पता था उस टाइम पे कि ऐसा नहीं होता है, लाइक जो भी आप पार्ट ट्रेन करते हो उसको रेस्ट चाहिए होता है, और मेन आपका न्यूट्रिशन है, जो आप बॉडी को दोगे वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा और रेस्ट। सो आई थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आई डोंट नो आप में से कितने लोग करते होंगे जो अभी जस्ट जिन्होंने जिम जाना स्टार्ट ही किया है, सो मोस्टली ऐसा लोगों को लगता है, मुझे भी लगता था एक टाइम पे, तो अगर आप करते हो तो ऐसा करना बंद कर दो, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला, फालतू में वो पार्ट जो रिपेयर ही नहीं होगा, मतलब उसको आप तो बार बार तोड़ते रहोगे, समझ रहे हो, तो ठीक नहीं है वो मसल के लिए।